गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? और आशा करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। सुबह का दिन, आज मौसम थोड़ा सा धूप वाला हुआ, बट फिर भी बेटर है। और ये गुल्लू मैडम यहाँ पे, क्या तुम ये दिखा दो, ये मैंने गुल्लू के लिए बनाया था वाटरमेलन जूस। इसको मैं थोड़ा सा वाटरमेलन जूस दे रही हूँ। मैं अब इसको सुबह उठ के दूध नहीं देती हूँ, बिकॉज अब मैं इसकी डाइट में भी जो है वो चेंजेस लेके आ रही हूँ। तो वाटरमेलन को मैंने कट करके मिक्सी में ग्राइंड कर लिया और उसके बाद उसको छान के गुल्लू के लिए भी बना दिया, अपने लिए भी बना दिया। आज बातचीत नहीं है मेरी बंसल जी के साथ, हमारी लड़ाई हुई हुई है, तो वो अपना अलग है, मैं अपना अलग हूँ। मैं अपने रूम में बैठी हूँ और वो अपना पता नहीं कहाँ पे है। अरे गुल्लू एंजॉय कर रही है आजकल। मैं इसको जैसे थोड़ा सा मैंगो शेक दे दिया, थोड़ा सा वाटरमेलन जूस दे दिया, और इसके अलावा मैं इसको सूजी की खीर बना के दे देती हूँ। फिलहाल मैंने अभी तक दलिया नहीं बनाया, लेकिन मुझे मेरी चाची ने सजेस्ट किया था कि दलिया और खिलाया कर इसको, तो दलिया बना दूँगी, उत्पम बना दूँगी। तो ये चीज़ें उसके लिए अच्छी हैं। अगर आपका भी 10 मंथ तक का बच्चा है तो आप उसको ये सब खिला सकते हैं। तो चलिए, आज क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। नहा धो के मैं हो चुकी हूँ रेडी, और इस बंदे से मेरी बातचीत बंद है। बंदे से? हाँ, इस बंदे से मेरी बातचीत बंद है। बंदा नहीं हूँ मैं। हमारी लड़ाई है, आपको मैंने बताया था, मैंने आपको बताया ही था हमारी लड़ाई हुई है। हमारी किस बात? और मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये मेरे से बात कर रहे हैं, पर मैं इनसे बात नहीं कर रही हूँ। ये मेरे को कई बार इतना गलत बोल देते है ना, मैं फिर भी चुप होके सीने पे पत्थर रख के सुन लेती हूँ। ये भोले चेहरे के पीछे जो शैतानी भरी हुई है, आपको नहीं पता होता, जो झेलता है लिटरली उसको पता होता है ये भोले चेहरे के ऊपर। और प्लीज़ यार, कमेंट पे इतने कमेंट कर दो ताकि ये शेव करवा ले। मेरे को ये इतने गंदे लग रहे हैं ना, इतने गंदे लग रहे हैं भाई। कोरोना में जान बचाना ज्यादा जरूरी है, ये शेव कराना ज्यादा जरूरी है। मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, घर पे करो ना। घर पे इक्विपमेंट नहीं है ना, पता नहीं, इक्विपमेंट लो ना, खरीदो, खरीद लेंगे वो। हाँ तो भाई, मैं रखा करेंगे आगे से। कमेंट ऐसे करो, प्लीज मेरे से बात मत करो, आज आपकी और मेरी बातचीत बंद है। ये बन रही है चाय, ये चाय मैंने बनाई है, जैसा बातचीत बंद है, लेकिन मेरे हाथ की चाय पी लेंगी मैडम। आज दूध पटे हैं, मेरे हाथ के प्रसाद भी खानी है, और ये गुल्लू का पानी है। चलो नाश्ता देखते हैं क्या बनाते हैं। ये ना मेरे पास हरड़ की दाल बची हुई थी, और उसके अंदर मैंने ये आटा मिलाया है, और सब मैं दाल के परांठे बना लूंगी फटाफट से। ये आटा गूंध के हो चुका है तैयार, अब बस इसकी छोटी सी लोई लूंगी और इसको सेक लूंगी। ये देखिए, ये मेरा पराठा सिक रहा है और ये चाय में बाया उबाल। ये देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी ब्राउन, बस इसको थोड़ा सा दबा दबा के सेकिए। मैंने बिल्कुल हल्के ऑयल में इसको किया है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल नहीं है, हम लोग ऑयल वगैरह दिक्कत होती है, तो बस अब इस तरह से सेक लेते हैं। छोटा सा बाबू नैप लेके उठ चुका है। अब क्या खाएगा बता दे बच्चा, क्या खाएगा? छोटे से बनियान पे बिल्ली बनी हुई है, क्या खाएगा? मम्मा बाबू मूवी देख रहे हैं, वो भी बहुत पुरानी लगान, मैंने आज तक पूरी नहीं देखी। मैंने कल चलो देखते हैं, आज बंसल जी भी नहीं है। बंसल जी के बहुत ही करीब दोस्त हैं, उनकी वाइफ की डेथ हो गई है, तब बड़ा सुबह से मतलब उनको बड़ा फील हो रहा है, वो गए हैं वहीं पे, उनकी किडनी फेल हो गई थी तो वहीं पे गए हैं। बहुत सिचुएशन ख़राब हो जाती है कई बार, चलो भगवान क्या करता है कैसे करता है। छोटे छोटे बच्चे हैं यार उनके, टाइम हो रहा है 4:30 और मैंने उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाई, इसलिए नहीं बनाई आज भाई, अटैक पड़ते पड़ते बच गया। क्या हुआ मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली जो बॉल होती है, ये इस मतलब मैं बाहर कपड़े सुखा रही थी और गुल्लू ने इस बॉल को यहाँ से, आइस की तरफ से दूसरी बॉल थी वो मैंने फेंक दी, उसको यहाँ से बाइट कर लिया, और वो बाइट करने के बाद वो जो उसका इतना बड़ा वाला पीस था, आई थिंक इतना बड़ा पीस था, छोटा सा था, वो तो बाहर फेंक दिया, इतना बड़ा वाला पीस इसके मुंह में ऐसे करे जा रही। भाई मैं डर गई, मैंने कहा पता नहीं एकदम से क्या हुआ है,
और मैं आई तो मैंने देखा इसके मुंह में इसका पीस था। सही में मैं तो मतलब यार बच्चों के साथ कितना कितना देखना पड़ता है। सिर्फ 2 मिनट के लिए कपड़े सुखाने गई थी और बच्चों के साथ क्या क्या करना पड़ता है। अब ये कह रही है कि मैं भी आऊँगी ब्लॉग में जब आप मेरे बारे में बात कर रहे हो तो। और आज ये पूरा दिन बनियान में है, पूरा दिन मेरा बच्चा। मेरा बच्चा इतनी शैतानी क्यों करता है? देखो इसके सारे टॉयज रखे हुए मैंने खेलने के लिए, बट ये फिर भी शैतानी करती है, प्ले ही नहीं करती अपने टॉयज के साथ। तो स्टिल मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि पता नहीं क्या हो गया है, बट शी इज़ फाइन नाउ। लड़की ने मेरा जीना आराम कर रखा है, देखना खुद भी परेशान है और मेरे को भी परेशान करके रखा हुआ है। कहाँ जाइए, गम्मी लग रही है, एसी में चले ले रहे। किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं यार, जो इतने छोटे हैं यार, जिनके बड़े हो गए हैं किन किन के करते थे मुझे ज़रूर बताना। और यार आप लोग कैसे संभालते थे मुझे ये भी बताना। यहाँ पे तो एक में ही बैंड बज गई, सोचना भी नहीं है दूसरा। तो आज आई है सरप्राइज देने के लिए गुल्लू की मासी। सो मासी आप कैसे हो? मैं बच्चे से ना ज्यादा पंगे लेने की जरूरत नहीं है। अब एक मासी ये आ गई, अभी एक मासी और आने वाली है, वो दुबई वाली मासी आने वाली है। इवनिंग का पोचे का टाइम, अब लग रहा है स्टैंडिंग पोचे से पोचा, क्योंकि आपको पता ही है गुल्लू मैडम का। चलिए लगाते हैं पोचा, फिर मिलते हैं आपसे। आज बहुत दिनों बाद आई है गुल्लू की दुबई वाली मासी, जो वुड भी कुछ भी हो सकती है, और ये हाँ हो सकती है। और ये सारे मेरे ससुराल वाले वीडियो देखेंगे, कहेंगे इसने तो पहले ही सारे रिश्ते पक्के कर लिए। ये देखो ये हमारे दामाद जी। हाँ कितने साल का, 5 साल का है ना ये दामाद जी। दामाद जी अंगना में पधारे She is 8 months old और he is 6 years old। बताइए जरा तुमने क्या कॉम्बिनेशन बनाया है दीक्षा। और भाई बड़ा स्टार है ये, फ्यूचर स्टार है है, और ये फ्यूचर हीरोइन बता तो बननी है। ये भी नोटिस किया, येलो 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 क्या बात, मैंने तो नहीं पहना। ये मंगाया है हमने पिज्जा, और ये दीक्षा के लिए ना। ओ मेरी डाइट चल रही है, झूठ मत बोल बहन, खाएगी यही हर्ष खाएगा और गुल्लू खाएगी। गुल्ला आपको नहीं खाना बेटा पिज्जा, गलत बात है, चला तेरे लिए लाऊं कुछ। गुल्लू खाना शुरू करो बेटा। पे चल रही पिज्जा पार्टी, और ये प्लेट आपको पता चल ही गया होगा इसने रख दी है, जानबूझ के रखी है। सच्ची सच्ची खाइए। और गुल्लू मैम यहाँ पे है, अब इसके लिए बन रहा है पराठा। पे बन रहा है गुल्लू के लिए पराठा, क्योंकि हम सारे तो खा रहे हैं पिज्जा, बेचारा बच्चा छोटा मेरा क्या खाएगा, तो खाएगा पराठा। और ये मैंने गुल्लू के लिए बनाई है क्या बोलते हैं रेड सॉस किसान वाली। अब मासी का हो रहा है घर जाने का टाइम। गुल्लू से बाय टू मासी, ये वाली मासी भी जा रही है। बेटा इस आर का क्या करेगा, ला लगा दूं वापस? ये आर से कुछ नहीं है, कोई नहीं बेटा आर से। आर से कोई है तेरी जिंदगी में तो बता दे। गुल्लू तो जी से है। गुल्ला और या के से क्या लगाना है कि इसको वापस लेके जाएगा ये? लगा क्या चलो छनछना ले जा। मेरा हैप्पी बर्थडे का आर गिर गया। चलो भाई मासियां कल्टी हो लो, अब अपने अपने घर पे, अपने अपने घर पे जाओ। चेंज कर लिए, आप ये सोच रहे होगे सॉरी का रो क्यों रही है, सॉरी का रो रही है इसलिए प्याज काटने के चक्कर में, और प्याज काटने के चक्कर में यार आगे देखना लाइटर से प्याज काट रही थी मैं, वो प्याज काटने के चक्कर में तो मैंने काटनी भी शुरू नहीं किया। ओ हो
बंसल जी ने कह दिया था, मुझे बंसल जी के खाने के लिए रुकी हुई थी, बंसल जी ने मना कर दिया। बस अपने लिए दो प्याज भूनूंगी और डिनर कर लूंगी, क्योंकि नहीं करूंगी तो फिर यार मेरे को भूख लग जाती है रात को। फटाफट से खाना बना लेते हैं।